हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज शिवानी झा आज हम आईआईटी स्टार्टअप मेड इंडियाज फर्स्ट सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करेंगे सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक तो इंडिया की एक ऐसी सेगमेंट है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे जिससे टू व्हीलर की जो राइड है वो सेफ रहे जिस जैसे कि हम सबको पता है आज के टाइम पर कितने एक्सीडेंट्स होते हैं टू व्हीलर से वो भी सीरियस वाले एक्सीडेंट्स होते हैं एंड इसी इशू को देखते हुए आईआईटी स्टार्टअप्स है उन्होंने इंडिया की फर्स्ट सेल्फ बैलेंसिंग ऑटोनॉमस स्कूटर बनाया है इस स्टार्टअप का नाम लाइजर मोबिलिटी है एंड इसके को फाउंडर आशुतोष उपाध्याय एंड विकास पोद्दार हैं 2016 में इस स्टार्टअप को फाउंड किया गया था यह स्कूटर हमारे नॉर्मल स्कूटर से ओनली 10 परसेंट एक्सपेंसिव है विच इज क्वाइट अफोर्डेबल अब एक और चीज़ है जो इसको और इंटरेस्टिंग बना देती है ये एक सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर के साथ साथ एक स्मार्ट ऑटोनॉमस व्हीकल भी है ये हमारे वॉइस कमेंट को ईजिली फॉलो कर सकती है सपोज ये किसी पार्किंग में पार्क है तो आपके एक कमांड के बाद ये खुद से ही बाहर आ जाएगी ये फीचर इस स्कूटर को अलग बना देती है बिकॉज आज के टाइम पे ये फीचर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है इसमें स्टेबिलिटी के लिए फीट ऑलवेज ऑन फुटबोर्ड का ऑप्शन है जैसे हमें ज़मीन पे जिससे हमें ज़मीन पे पैर नहीं रखने बहुत ही कंफर्टेबल राइड है नाउ इस स्कूटर में सबसे स्पेशल ये है कि इसे कोई भी नॉर्मल पेट्रोल पावर और इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी फिट कर सकते हैं यह अभी मार्केट में आया नहीं है कंपनी ने यह बताया है कि वो अब आने वाले टाइम में इसमें और थोड़े चेंजेस करने वाले हैं और ज़्यादा एडवांसमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड स्टेबिलिटी इन सब के अलावा कंपनी का मोटो लोकलाइजेशन का भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल कंपोनेंट का यूज़ करके ही बनाना चाहती है बाय द वे यह कॉन्सेप्ट न्यू नहीं है बाहर की बहुत कंपनीज ऐसी हैं लाइक होंडा एंड बी उन्होंने भी इस टाइप के सेल्फ बैलेंसिंग प्रोडक्ट को पहले शोकेस किया है बट स्टिल दे आर इन प्रोटोटाइप स्टेज इसकी बहुत सारी टेस्टिंग एंड रिसर्च करनी है उसके बाद ये मार्केट में आ जाएगा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल